डिजिटल पाठशाला। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। भगवान महावीर के निर्वाण को 150 वर्ष हुए थे। उस वक्त पुण्ड्रवर्धन देश के कोटीपुर नामक नगर के राजा पद्मरथ के समय वहां सोम शर्मा नाम का एक पुरोहित था। उसकी पत्नी का नाम श्रीदेवी और पुत्र का नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु बचपन से ही शांत और गंभीर प्रकृति के थे। उनके भव्य चेहरे को देखने से ये झट से कल्पना होने लगती थी कि ये आगे चलकर कोई बड़े भारी प्रसिद्ध महापुरुष होंगे। जब भद्रबाहु 8 वर्ष के हुए तब एक दिन की बात है, वे अपने साथी बालकों के साथ खेल रहे थे। खेल था गोलियों का। सब अपनी अपनी होशियारी और हाथों की सफाई गोलियों को एक पर एक रखकर दिखला रहे थे। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 और किसी ने अपनी होशियारी से 8 गोलियां ऊपर तक चढ़ा दी। पर हमारे भद्रबाहु इन सब से बढ़कर निकले। उन्होंने एक साथ 14 गोलियां ऊपर तक चढ़ा दी। सब बालक देखकर दंग रह गए। इसी समय एक घटना हुई। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद होने वाले 5 श्रुत केवलियों में से चौथे श्रुत केवली श्री गोवर्धनाचार्य थे। वे गिरनार की यात्रा को जाते हुए इस ओर आ गए। उन्होंने भद्रबाहु के खेल की इस चतुरता को देखकर उनके निमित्त ज्ञान से समझ लिया कि 5वें होने वाले श्रुत केवली भद्रबाहु ये ही होने चाहिए। भद्रबाहु से उनका नाम वगैरह जानने पर उन्हें और भी दृढ़ निश्चय हो गया। वे भद्रबाहु को साथ में लेकर उसके घर गए। उन्होंने सोम शर्मा से भद्रबाहु को पढ़ाने के लिए मांगा। सोम शर्मा ने कुछ आनाकानी न कर अपने पुत्र को आचार्य महाराज के सुपुर्द कर दिया। आचार्य महाराज ने भद्रबाहु को अपने स्थान पर लाकर खूब पढ़ाया और सब विषयों में उसे आदर्श विद्वान बना दिया। जब आचार्य ने देखा कि भद्रबाहु अच्छा विद्वान हो गया है, तब उन्होंने उसे वापस घर लौटा दिया, इसलिए कि कहीं सोम शर्मा ये न समझ ले कि मेरे लड़के को बहका कर इन्होंने साधु बना लिया। भद्रबाहु घर गए तो सही, पर उनका मन घर में नहीं लग रहा था। उन्होंने माता पिता से अपने साधु होने की प्रार्थना की। माता पिता को उनकी इस इच्छा से बड़ा दुख हुआ। भद्रबाहु ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और गोवर्धनाचार्य के पास दीक्षा लेकर योगी हो गए। सच है, जिसने तत्वों का स्वरूप समझ लिया है वह फिर गृह जंजाल को क्यों अपने सिर पर उठाएगा। जिसने अमृत चख लिया है वह फिर खारा जल क्यों पिएगा। अपने गुरु महाराज गोवर्धनाचार्य का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके पट्ट पर भद्रबाहु श्रुत केवली ही बैठे। अब भद्रबाहु आचार्य अपने संघ को साथ लिए अनेक देशों और नगरों में जाते हुए उज्जैन की ओर आए और क्षिप्रा नदी के उपवन में ठहरे। एक दिन आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए शहर में गए। जिस घर में उन्होंने प्रथम बार पांव रखा वहां एक बालक पलने में झूल रहा था और जो अभी स्पष्ट बोलना तक न जानता था। इन्हें घर में पांव रखते देख वह सहसा बोल उठा, महालाज जाओ जाओ। एक अबोध बालक को बोलता देखकर भद्रबाहु आचार्य बड़े चकित हुए। उन्होंने उस पर निमित्त ज्ञान से विचार किया तो उन्हें जान पड़ा कि यहाँ 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ेगा और वह इतना भीषण रूप धारण करेगा कि धर्म कर्म की रक्षा तो दूर, मनुष्यों को अपनी जान बचाना भी कठिन हो जाएगा। भद्रबाहु आचार्य उसी समय अंतराय कर लौट आए। शाम के समय उन्होंने अपने सारे संघ को इकट्ठा कर उनसे कहा, साधुओं, यहाँ 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष तक बारिश न होने के कारण अन्नादि उत्पन्न न होंगे और धन धान्य से समृद्ध यह क्षेत्र शून्य हो जाएगा।
तथा भूख के कारण मनुष्य मनुष्य तक को खा जाएगा, तब धर्म कर्म का निर्वाह होना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। इसलिए हम सभी समुद्र के समीप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे। आचार्यों की घोषणा सुनकर वहाँ के अनेक धनिक सेठ आदि श्रावक श्राविका विनती करने लगे। महाराज, आप यह प्रदेश छोड़कर मत जाइए। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं है, हम अपनी संपत्ति धर्म कार्य में लगाना चाहते हैं। मुनि संघ को कोई कष्ट नहीं होगा। यद्यपि आप लोगों के पास सब प्रकार के साधन हैं और आप समर्थ भी हैं, लेकिन चारित्र की रक्षा करने के लिए साधुओं को यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुर्लभ होने वाला है, उसी प्रकार संयम भी दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ रहने वाले साधु संयम को त्याग देंगे, अतः हम यहाँ से विहार करेंगे। उसी रात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 16 स्वप्न दिखे। उन 16 स्वप्नों का फल जानने के लिए वे अपने गुरु भद्रबाहु आचार्य के पास आए। ये स्वप्न जानकर आचार्य कहने लगे, ये स्वप्न अच्छे नहीं है। ये सूचित करते हैं कि भविष्य खोटा होगा, किंतु इस स्थिति का चिंतन अच्छे पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न करेगा। पहला, डूबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचम काल में श्रुत ज्ञान का अस्त होता चला जाएगा। दूसरा, कल्प वृक्ष की शाखा टूटने का अर्थ है कि आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा, चंद्रमंडल में अनेक छेदों का अर्थ है कि धर्म में अनेक भेद अर्थात पंथ हो जाएंगे। चौथा, 12 फण वाले भयंकर सर्प का अर्थ है कि यहां 12 वर्ष तक भयंकर दुष्काल पड़ेगा। पांचवा, वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पंचम काल में स्वर्ग के देवता विद्याधर और चारण मुनि पृथ्वी पर नहीं आएंगे। छठा, धूल में खिले हुए कमल का अर्थ है कि उत्तम कुल के लोग अधर्म को अपनाएंगे। सातवां, भूतों के नृत्य का अर्थ है कि लोगों के मन पर भूत प्रेतों की अनिष्ट की छाया रहेगी। आठवां, जुगनुओं के चमकने का अर्थ है कि धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक होंगे। नौवां, सरोवर का मध्य भाग सूख गया है और किनारे पे कहीं कहीं थोड़ा सा जल है। इसका अर्थ है कि तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा और कहीं कहीं धर्म का अस्तित्व दिखाई देगा। दसवां, सोने की थाली में खीर खाते हुए कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति पुरुषों के पास धन होगा, सज्जन पुरुषों को वह धन सरलता से प्राप्त नहीं होगा। ग्यारहवां, ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर का अर्थ है कि राजशासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल बुद्धि के होंगे। बारहवां, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है कि शासन प्रजा का धन हरण करेंगे और अन्यायी होंगे। तेरहवां, रथ को वहन करने वाले बछड़ों का अर्थ है कि तरुण अवस्था में ही धर्म होगा, वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण होगी। चौदहवां, ऊंट पर चढ़े हुए राजकुमार का अर्थ है कि राजा मंत्रीगण निर्मल धर्म को छोड़कर ऊंट पटांग हिंसा का मार्ग अपनाएंगे। पंद्रहवां, धूल से आच्छादित रत्न राशि का अर्थ है कि मुनियों में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। सोलहवां, काले हाथियों के युद्ध का अर्थ है कि समय पर बारिश नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त को वैराग्य हुआ। उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्यभार सौंपकर भद्रबाहु आचार्य के पास जन दीक्षा ली। आचार्य भद्रबाहु संघ के साथ दक्षिण की ओर चले गए। इस तरह चलते चलते वे श्रवण बेलगोला तक आए और उन्होंने कहा, मेरी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है, इसलिए मैं इधर ही रहूंगा। यह कहकर उन्होंने दश पूर्व के जानने वाले अपने प्रधान शिष्य श्री विशाखाचार्य को संघ का नेतृत्व देकर संपूर्ण संघ को तमिल आदि प्रदेशों में दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। भद्रबाहु आचार्य की समाधि श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई। उस वक्त उनके साथ चंद्रगुप्त थे जो कि मुनि हुए थे। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली तो थे ही तथा अष्ट महानिमित्त के भी पारगामी थे, अतः दक्षिण की ओर जाने वाले मुनि उधर सुख शांति से रहे। उनका चारित्र निर्विघ्न पला और सच है, गुरु के वचनों को मानने वाले शिष्य सदा सुखी रहते हैं। लेकिन जो मुनि दक्षिण में नहीं गए
वे आचार्य भद्रबाहु के भविष्यवाणी अनुसार संयम से च्युत हुए। ऐसे अंतिम श्रुति केवली भद्रबाहु मुनिराज की जय। जिनेंद्र, धन्यवाद।